हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए शाम के बज रहे हैं, 6:30 हो रहे थे और मैं जो छत से सारे कपड़े लेके आई थी वही सब फोल्ड करके लगा ले रही थी। तो डेली का रूटीन हम लोग का यही होता है, तो और क्या दिखा पाऊँगी, यही सब डेली होता है, वही दिखाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा इस सब चीज़ों से, क्योंकि हमारी दिनचर्या इसी काम से शुरू होती है और काम पे ख़त्म हो जाती है। तो अभी देखिए प्रीशा आई है। प्रीशा मेरे पड़ोसन की लड़की है, तो ये शाम को या सुबह में कभी भी आ जाती है, जब मतलब इसका खेलने का मूड होता है तब ये घर पे आ जाती है और खूब खेलती है, बहुत मस्ती करती है। आप देख ही रहे हो, जो कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी वही कपड़े उठा के गले में दुपट्टे की तरह लेके खूब खेल रही थी। तो अभी देखिए कपड़े सारे जो है मैं फोल्ड करके सब सारे कपड़े शाम मतलब जो जहाँ के हैं वहाँ लगा दूँगी। और संध्या पूजा मतलब दिया भी मैंने जोड़ दिया है आगे गेट के पास और मंदिर में और छत पे तुलसी जी के पास, तीनों जगह जोड़ लिया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए शाम हो चुकी है और मैंने सारा कपड़ा जो है वो फोल्ड कर दिया है। गर्मी से पूरा बैग से पूरा पसीना हो रहा है, तो मैंने सारा कपड़ा जो है वो सारा कपड़ा जोड़ दिया है। और मंदिर में संध्या पूजा भी कर ली है, संध्या पूजा भी मेरी हो गई है। और मैंने क्या कहते आलू चढ़ा दिया है, आलू चढ़ा दिया है। आज मैं सोच रही थी कि आलू का पराठा बनाऊं, तो आलू मैंने चढ़ा दिया है कुकर में गैस पे होने के लिए। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं डिनर तैयार कर लूँगी, ये देखिए। और तब तक मेरा डिनर जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा सिंक में बर्तन है यहाँ पर, वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए अभी बर्तन क्लीन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए सिंक कभी खाली रह ही नहीं सकता है, ये तो लगता है मुझे ना कि इसको जो है श्राप मिल गया है कि आप तुरंत साफ करेंगे बर्तन और तुरंत के तुरंत फिर जो है वो सिंक फुल हो जाएगा। गर्मी जो है भयंकर वाली गर्मी है, फिर भी मैंने साड़ी पहना है। और मुझे साड़ी गर्मियों में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूं। वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट आया था कि साड़ी में एवरीडे, तो कोशिश कर रही हूं कि साड़ी में ही एवरीडे मैं मतलब वीडियो बना पाऊं। पर मुझे नहीं लग रहा है कि अब आगे अगर ऐसी ही गर्मी पड़ेगी तो आगे बन पाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी में ही वीडियो बनाऊँ। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे मतलब अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले धुल लेते हैं बर्तन, उसके बाद आप लोग से बातें करूँगी। और फिर सिंक में थोड़े से बर्तन थे तो मैं धो लेती हूँ। और बर्तन धुलने से पहले मैंने आलू चढ़ा दिया था, आज मैं आलू भरी पूड़ी बनाऊंगी, तो वही आलू चढ़ा दिया था। तो आलू पक गया है तो इसे मैं दूसरे मतलब जैसे कि जाली वाले जो प्लास्टिक का जाली रखा है ना इसमें पलट दूंगी। अगर नहीं पलटूंगी ना तो आलू जो है वो गीले हो जाएंगे और पराठा मतलब बनाने में बहुत मुश्किल होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी, जब ये आलू ठंडा हो जाएगा तब फिर इसे मैं पील कर दूंगी, यानी कि छील दूंगी इसको। जब तक आलू ठंडा होगा तब तक मैंने सोचा कि लाओ कुकर भी धुल लूँ, वरना अभी सिंक साफ़ किया है फिर सिंक में बर्तन हो जाएंगे। तो ये सबसे बुरा लगता है कि सिंक में हमेशा बर्तन फुल रहता है, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती रहती हूँ कि बर्तन जो है वो ज़्यादा ना हो। तो अब मैं कुकर को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद से फिर तब तक आलू भी ठंडा हो जाएगा और फिर आलू को छील लूँगी। आलू ठंडे हो गए हैं, मैं इसे छील लेती हूँ। और अभी बच्चों को स्कूल से बहुत ढेर सारा होमवर्क मिला है, क्योंकि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है, एक सावन के सोमवार के लिए। हमारे यहाँ बच्चों का जब सावन लगता है ना तो बच्चों को स्कूल का जो है वो संडे को ओपन रहता है और मंडे को खुल मतलब बंद हो जाता है। तो मतलब सावन के 5ों संडे खुले रहते हैं स्कूल और मंडे बंद रहता है, तो इस वजह से 2 दिन की छुट्टी हो गई है बच्चों की। और 2 दिन की छुट्टी के नाते बहुत ढेर सारा होमवर्क भी बच्चों को मिल गया है, बच्चे वही कंप्लीट कर रहे हैं। और इधर मैंने लहसुन छील लिया था, फिर लहसुन और हरी मिर्च का मैंने मोटा मतलब दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। और इधर आलू को भी मैं ग्रेट कर लूँगी, सारे आलू को।
आलू ग्रेट हो गए हैं। चलिए अब बनाते हैं इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हो, रिफाइंड कोई भी तेल जो आपके घर में अवेलेबल हो। फिर मैंने डाल दिया है उसमें आधा चम्मच जीरा। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। जब हल्का सा सौते हुआ है, पूरा भुना नहीं था, हल्का सा सौते हो गया है, तो मैंने नमक हल्दी गरम मसाला उसमें ऐड कर दिया है। और 2 सेकंड भून के बस वो जो जितना भी पेस्ट तैयार हुआ है वो सारा मैं आलू में डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारे आलू में, कि पूरा जो मसाला है वो सारे आलू में मिल जाए। वैसे तो मैं आलू के पराठे कई तरीके से बनाती हूँ, पर गर्मियों का आलू जो है ना कुछ इस तरह ही बनाती हूँ तो टेस्टी लगता है। और ये भी बहुत टेस्टी बना था, आप देख के समझ सकते हो कि कैसा मतलब बना होगा। तो ऐसे तो कई तरीके से बनाती हूँ, ऐसे कभी आलू छोटा छोटा कट करके उसको ही छौंक देती हूँ और सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। कभी मैं आलूओं को कढ़ाई के अंदर डाल के गर्म मतलब जब मसाला भून जाता है तो आलूओं को डाल देती हूँ और गैस पे ही उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सुखा के उतार लेती हूँ। और कभी कभी ऐसे छौंक देती हूँ, मतलब जैसा मूड कर गया वैसा कर लेती हूँ। तो हमारा आलू का बैटर तैयार हो गया है और इधर मैं लगा ले रही हूँ आटा। आटा लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया था कि 10-20 मिनट तक वो थोड़ा सेट हो जाए, और कूलर में पानी नहीं था तो रुपेश बोल रहा था कि मम्मी पानी कूलर में ख़त्म हो गया है। तो आ गई थी मैं कूलर में पानी लगाने के लिए। दोनों कूलर सुबह में भी भरते हैं शाम को भी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो कूलर का पानी भी सूख गया है और इसी वजह से मुझे दोनों टाइम भरना पड़ता है पानी को। तभी मैं चेक कर रही थी कि पानी ऐसा ना हो उधर से चालू है और इधर से पानी जो है वो गिरने लगे। तो बाहर वाले कूलर का तो पानी जो है वो भर गया है, अब इसे अंदर पाइप को ले जाऊंगी, बाथरूम में लगाऊंगी और वहां से भर दूंगी अंदर वाले कूलर में। तो अभी देखिए ये जो है प्लास्टिक का कूलर है और ये कूलर ना हमने इसी साल लिया है। वैसे पहले एक ही कूलर था तो हम सब लोग बाहर ही सो जाते थे, फिर बाद में बड़ा दिक्कत होने लगा तो फिर एक कूलर और आया कि बच्चे जो हैं मैं बच्चों के साथ अंदर हो जाती हूँ, हस्बैंड बाहर हो जाते हैं। फिर रुपेश बीच बीच में पूछ रहा था कि मम्मी मेरा पूछ लीजिए, तो वही रुपेश जो लर्न कर रहा था वही मैं उससे फिर से पूछ ले रही थी कि चलो ठीक है। और सारे काम मैंने करने के बाद सोचा गेट भी लॉक कर दूँ, क्योंकि रात के जो है 8:30 हो गए थे, काफ़ी देर हो गया था और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और अंधेरिया रात है तो इसकी वजह से थोड़ा सा और डर लगने लगता है, क्योंकि शाम को हम ही तीनों लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड तो जॉब पे रहते हैं। तो इसी की वजह से मैं ताला थोड़ा जल्दी ही लगा लेती हूँ। आज वैसे लेट हो गया, वरना मैं 7:30 बजे ही ताला लगा लेती हूँ। तो गेट पे ताला लगाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे, और बच्चे भी तब तक जो है पढ़ाई करके खाली हो चुके होंगे। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने चढ़ा दिया है तावा और परथन ले रही हूँ, और अब मैं बेलूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ, अरे सॉरी गर्मा गर्म आलू के पराठे बेलूँगी। और बच्चे जो है अभी वेट कर रहे हैं कि मम्मी अब आप जल्दी बना दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू का पराठा बहुत पसंद है, चाहे जिस सीज़न का आप बनाइए उस सीज़न का मेरे बच्चे खा लेते हैं, नाटक नहीं करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आलू का पराठा बहुत लोगों को ना पसंद हो, मुझे लगता है कि सभी लोगों को आलू का पराठा पसंद होगा। आलू एक ऐसा चीज़ है कि इसकी हर रेसिपी सभी को बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे भी आलू की रेसिपी अच्छी लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, सब्जी हो, आलू की सूखी या भुजिया हो या आलू पराठा हो या कोई भी चीज़ हो, सैंडविच में आलू हो, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी देखिए पराठा सेकने के लिए मैंने चढ़ा दिया है तावे पर, और पराठा जो है एकदम गर्मा गर्म करारा करारा पराठा जो है वो बन के रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग के साथ हम लोग डिनर कर लेंगे। अब पराठा देखिए कितना प्यारा कलर इस पे आया हुआ है कि ऐसे ही देख के मुंह में पानी आ रहा है। और रुपेश यहाँ रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मी पहले हम ही को दे दीजिए, तो मैंने रुपेश का प्लेट जो है वो लगा दिया था। फिर मैंने बोला कि चलो तब तक तुम लोग डिनर करो, मैं अपना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी वीडियो। और यहाँ रुपेश डिनर करने के बाद, उसका डेली का नियम है कि वो बिना नहाए सोता नहीं है, गर्मी ही इतनी पड़ रही है, तो रुपेश अपना समरसेबुल ऑन करके जा रहा है छत पे नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने डिनर बना लिया है और बच्चे भी नहा लिए हैं, तो अभी देखिए आप मेरा पसीना, आप देख सकते हो कितना ढेर सारा पसीना हुआ है। जब तक मैं मतलब बना रही थी डिनर, पूरा साड़ी देखिए ब्लाउज वगैरह सब मेरा पूरा भीग गया है। तो अभी मैं जाती हूँ नहा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, डिनर मेरा रेडी है। तो चलिए अभी नहा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।